और मेरी फूटी किस्मत देखो सड़ गई, मेरी बारी आई छोरियां कम पड़ गई, बेल बेल के पापड़ देखो गांठे पड़ गई, पर छोरी तो कभी चोरी की मामू कर गई। सुन लो लड़की वालो, मुझसे शादी करवा लो, जो शर्तें मनवा लो सब पूरी करूंगा। बस दूल्हा बनूंगा, शादी करूंगा, दूल्हा बन गया रो शादी करूंगा। मैं हूँ इस गांव का मुख्य नाई भाई, हम हैं विद्याधर शर्मा, और शर्म आती है हमें, एक भी शादी नहीं करवा पाए हम। मेरे दो कुंवारे भाई, माँ पिताजी ने मरते वक्त मुझसे कसम ले ली थी, जब तक दोनों भाइयों की शादी नहीं करूंगा मैं पाप नहीं बनूंगा। अरे भाभी, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लड़की वालों को? मैं दिखा दूंगा ना अपना। नहीं आ रहे, उन्हें रास्ते में रिश्ता मिल गया। अब कब होगी हमारी शादी? नमस्कार, सतबीर और बलबीर दो कुंवारे, शादी करने के लिए बेचैन दो बेचारे। देखते हैं कोई लड़की इनको देखने आती भी है या नहीं। अरे सुभाष, अरे सुभाष, कहाँ हो तुम लोग? सुभाष, सुभाष, अरे क्या हुआ? यहाँ हूँ, अरे यहाँ हूँ, अरे यहाँ हूँ। अरे ताऊ, सांड पीछे पड़ गया क्या? हम तो मैच हैं, सांड पीछे पड़ गया कुछ भी बकता है। कहीं का है, जजमान के यहाँ से मैं भागा हुआ आ रहा हूँ हलवा पूरी छोड़ करके। अरे तो वहीं खा लो, यहाँ चाय भी नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे भाई इसको तैयार करो। अरे क्या हुआ? तैयार करो, लड़के वाले आ रहे हैं। वो क्या रहे हो? रिश्ता आ रहा है भाई। अरे ताऊ, तुम्हारे बाल्टी का पानी तो कुएं के बाहर ही नहीं निकलता। अबे जब घर में ही नल है तो बाल्टी से कुएं के अंदर से पानी कहाँ से निकालेंगे? अरे इसका कहने का मतलब ये है कि आप रिश्ता लेके आते हैं लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंचता। अरे ये पंडित के रिश्ते की बात करते हो तुम लोग, हमारा नहीं होता है ऐसा। एक मिनट, एक रुपये का टैक्स ना दे रहे हो तुम? माना तो रिश्ता हम नहीं करवा पा रहे हैं लेकिन एक रुपये का टैक्स ना। ताऊ जी, ये टॉस करने के लिए है। टॉस कर 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 कर। हेड हेड, नहीं नहीं टेल 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 टेल। अरे टेल के बच्चे, तेरा तो मैं पूंछ उखाड़ के रहूंगा। हमेशा तू टेल ही लेता है। हे भगवान। 3 2 1 अरे टेल के बच्चे, ये टेल ना तो टांग के बीच में रख करके दबा के बैठा रहा, और वो लड़की से मैं मिलूंगा। तुम सतवीर को जाके तैयार करो जल्दी से। चलिए देवा जी, हम आपको उपटन लगा देते हैं, वो लोग आएंगे तो सही ना, ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह। अरे आएंगे, जरूर आएंगे, मेरे असुरा की कसम। आजा, उपकरण तैयार कर देती हूँ तेरे लिए। अरे बासी कड़ी बार बार नहीं उबलती, इस उम्र में उपटन से क्या होगा, फेस पैक लगाओ फेस पैक। अरे अंदर है ड्रेसिंग टेबल, जाओ और 16 श्रृंगार कर लो, जाओ। अरे लड़की वालों की एक शर्त है। अरे मुझे मंजूर है। अरे पहले सुन तो ले। अरे क्या फायदा, बाद में तो आपको उछलना ही है ना। अरे लड़की वाले की शर्त है कि लड़के को घर जमाई बनना होगा। हाँ तो ठीक है, बन जाएंगे। सत्तू को घर जमाई बनना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप चलिए, आपको फेस पैक लगाते हैं, चलिए। अरे मूरख, मेरा आइडिया मेरे ऊपर ही आजमा रहा है। कुछ और दूसरा सोच, हवान दे चलक। अरे अरे सुनिए तो, अरे अभी तुरंत आने वाले हैं भाई, अभी अभी यानी यानी वो यही है।
अरे हाँ, पास के गांव में झंझर में वो हुड्डा के छोकरे को देखने आए थे। ये हुड्डा हमेशा बाजी मार जाता है। नहीं नहीं, वो बाजी हार गया है। हैं? क्या वो घर दामाद बनने के लिए तैयार नहीं है? नो, लड़की ने ही लड़के को रिजेक्ट कर दिया। हेलो भाई, अब तो जिले के अफसरों के बेटों को ही लड़कियां नहीं मिल रही है, है? अफसरों के लिए भी नहीं रहेंगी भाई। हम लोग ऐसा काम करेंगे तो लड़की की तो कमी होगी ही ना। अरे हद हो गई ये तो यार। लेकिन भाई ये रिश्ता जो है ना, मेरे बहनों के दामाद के पोते ने भेजा है रिश्ता। वो मंझली दादी के पोते के नाती के बस 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 बस, बस। ये तो 20 लोगों से ज्यादा हो गए। इन सब लोगों को मैं शगुन नहीं देने वाला। सबको मत देना, सबका हमको दे देना। मैं जा रहा हूँ, पंडित जी को बोल के आता हूँ। ठीक है ठीक है, हम लोग भी तैयार होते हैं। आ जाओ चलो। राम राम जी, हम हैं राम दुलारी मैच मेकर और ये है सुमन। नमस्ते जी। राम राम जी, राम 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 आप रामलाल जी है? आपकी बहनों के दामाद के पोते ने कहा था जैसे आपको देख लेंगे पहचान लेंगे हम लोग। पर्सनालिटी ऐसी है, कोई भी देखता है तो एकदम से पहचान लेता है। ये है सतवीर, ये लड़के के पिता। ना 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 भाई भाई, वो क्या है, लड़की ढूंढते ढूंढते बेचारे इतने परेशान हो गए कि ऐसे हो गए, एकदम बाप लगने लगे। बहुत नाम सुना है आपका राम दुलारी जी। हाँ, बड़ा नाम है आपका। हमें तो लगा था कि कोई बड़ी सी बड़ी पुट्ठी होगी। मतलब ना, ना जी, मतलब हम तो कंफ्यूज आ गए थे कि आप दोनों में लड़की कौन है। झूठ मत कहिए। सच्ची उस तरह की कसम। रामलाल जी देखिए, उस तरह की कसम मत खाइए, कहीं किसी का कान कट गया तो? भी नहीं, आज तक किसी का कान नहीं कटा। अरे उतना अस्तुरा नहीं चलाया हुआ मैंने, उससे ज्यादा रिश्ते कराए हैं। मैंने भी इतने शादी करवाए हैं, इतने मैच करवाए हैं कि लोग कहते हैं कि कुंडली अगर मैच ना करवा पाती हो तो भी राम दुलारी कर देती है। हाँ, और राम दुलारी ने एक बार मैच करवा दी तो कुंडली की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लगता है हमारा भी मैच हो रहा है। क्या मतलब, रामलाल राम दुलारी राम राम, एकदम मतलब राम राम की जोड़ी बन गई राम की कृपा से। हम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, हम दोनों मिलकर सबकी शादी करवा देंगे, कोई कुंवारा नहीं बचेगा। हाँ। शादी के बाद हम एक बेटी लाएं। बेटा या बेटी होना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। मेरा मतलब है हम एक बेटी गोद लेंगे शादी से पहले। दूल्हा बन गया रो शादी करूंगा। दूल्हा बन गया रो शादी करूंगा।
बेटा रखो बेटी बेटा यही है लड़का सतवीर नाम है इसका। हेलो सतवीर। हेलो बोलो। हेलो हेलो मैं सुमन। अकेली आई हैं आप? हाँ वो क्या है ना मेरे पिताजी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं इसलिए मैं अकेले ही आ गई। क्या 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 हुआ? अरे बात तो मुझे ही करनी है ना। क्या हुआ आप लोग बात नहीं करना चाहते क्या? और वैसे मैं ही इस घर में आने वाली हूँ। हे भगवान अगर सब कुछ ठीक रहा तो कर रहे हैं। अरे लेकिन बात तो बड़े करते हैं ना बेटी। अरे ताऊ अगर बड़ों ने ही कुछ कर लिया होता ना तो आज लड़कियों की जनसंख्या इतनी कम ना होती। क्या काम करती हैं आप सुमन? मैं टीचर हूँ। अच्छा मास्टर नहीं है। नहीं लेक्चरर हूँ। भाभी लेक्चरर है जो भी है बोलने की आदत है तो जो भी बोल देते हैं कोई बात नहीं। आप कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ कुछ रास्ते में आते समय कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं वो पंडित जी ने कुंडलियां तो मिलवा ही ली होंगी। कितने गुड़ मिले हैं? गुण मैं बताता हूँ यही कोई 70 28 75। मैं फोन करके पता करता हूँ अभी। चलिए छोड़िए जाने दिए गुड़ तो मिलते ही रहेंगे फर्क ये पड़ता है विचार कितने मिलते हैं। विचार विचार ऐसे कैसे मिल सकते हैं भाई वो तो शादी के बाद ही ना। उसके बाद? उसके बाद क्या बोलना उसके बाद तो भाई एक बोलता है दूसरा सुनता है। इसका मतलब है कि आप लोग बोलेंगे और मैं सुनूंगी? नहीं नहीं इनके कहने का मतलब एकदम उल्टा है आप बोलेंगी और मैं सुनूंगा। कितना अच्छा बोलती हैं आप। तुम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो आज। मतलब जरा शांत रहो। मेरे कुछ सवाल है। शादी भी एक इंटरव्यू है। इंटरव्यू ना भाभी मैं आप नहीं बर्दाश्त कर सकता। अरे सतवीर अरे 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 मजले अरे सुन अरे कहाँ जा रहा है मजले सुन बता गया। अजय बेटी एक काम करो जब तक तुम सारा घर देख लो प्रॉपर्टीज देख लो हो सके तो गहने भी दिखा दो। नहीं इसकी जरूरत वॉशरूम किधर है? आइए आइए मैं ले चलती हूँ। आइए आराम से बैठिए ना। अरे लोग ये लड़कियों के सवालों से इतने डरते क्यों हैं? क्योंकि अभी तेरी शादी नहीं हुई ना बेटा इसलिए तू नहीं समझेगा। अच्छा आपकी भी तो शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है तो क्या हुआ बरातें तो बहुत देखी हैं। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? आप जैसे कोई मिला नहीं ना। जिसका इंतजार था वो आई नहीं ना तक पर अब लगता है कि इंतजार खत्म हो गया। अरे ताऊ जी ये सतवीर और सुमन का मैच करवाना है। क्यों ताई जी? ताई मत कहो मेरी अभी तक सगाई भी नहीं हुई। हाँ तो क्यों माई? माई तो बिल्कुल ही मत कहना मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। मेरी माँ ने मेरे बापू के बहुत जुल्म सहे हैं। मेरी माँ ने ना मेरे बाबू जी पे बहुत जुल्म किए। मिल रहे हैं हम भी मिल जाएं। क्या ताऊ जी आपकी उम्र क्या होगी? 475 साल तक उम्र पूछ रहा है भागने से। आजकल के बच्चे बड़ों के मतलब इज्जत ही नहीं करते हैं।
आपका नाम भावना क्यों नहीं हुआ? अच्छा ही हुआ, राम दुलारी राम लाल, राम लाल राम दुलारी राम राम, ऐसा नहीं बोलेंगे ना? देख सत्तू, जब नए एग्जाम आते हैं ना तो पिछले साल के पर्चे देख लेने चाहिए, पता चल जाता है कि कैसे सवाल आएंगे। भाई मैंने तो बीए ऐसे ही पास किया है। कैसे सवाल आएंगे? वैसे ही जैसे पिछली छोरिये ने किए थे। अब एक लड़के ने तेरे से पूछा था ना घर दामाद बनना पड़ेगा, और तूने सही जवाब दिया था, मैं तैयार हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ। चूल्हा अलग करना पड़ेगा, घर का बंटवारा करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। अरे तो खाना कौन बनाएगा? अरे तुम बनाओगी? सालों हो गए मुझे खाना बनाते हुए, अब जब शादी हो जाएगी ना तो छोटी बहू ही खाना बनाएगी। मैंने बोल दिया हाँ। पहले शादी तो हो जाने दो। अरे मैंने कह दिया ना कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अरे बाबा ठीक है मैं बना लूंगा, खुश। तुम्हारा बनाया हुआ खाना कौन खाएगा? तुम लोग बहस करते रहो, अगर मेरी शादी न हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे सत्तू सत्तू, अरे बात तो सुन सत्तू। अब हमें कुछ बात नहीं करनी, हम चलते हैं। सुमन, अरे वो एक लड़की क्या, मैं पूरा अनाथालय गोद ले लूंगा। सुमन दूल्हा बन गया रो शादी करूंगा। दूल्हा बन गया रो शादी करूंगा। मैंने सोच लिया किनके घर का तोता बनने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब? मतलब ये घर का सारा काम जानते हैं और ये घर जमाई बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं घर का बंटवारा भी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी हम भी तैयार हैं बंटवारा करने के लिए, जब बोलो तब बंटवारा कर देंगे, खेती का बाड़ी का सबका, क्योंकि जो कल होना है वो आज ही हो जाए। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देवर जी की शादी हो जाए। अरे आप लोगों को लगता है कि मैं ये सब करने के लिए आप लोगों को कहूंगी? लेडीज करती कुछ ऐसा ही है, लड़की घर में आते ही आंगन फट जाता है। लगता है ताऊ जी आप लेडीजों को जानते नहीं हो। जाने कैसे, यहाँ लेडीज ही कितनी है। मेरी एक शर्त है, शादी के बाद हम एक बेटी लाएं। बेटा या बेटी होना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है हम एक बेटी गोद लेंगे, अडॉप्ट करेंगे हमारी शादी से पहले। अरे जो लोग खुद माँ बाप बन सकते हैं उन्हें बच्चा गोद लेने की क्या जरूरत है? है जरूरत, दुनिया में जो इतने पाप हो रहे हैं इनकी भरपाई ऐसे ही तो होगी। कितनी लड़कियां हैं जो अनाथ हैं, जो भीख मांग रही हैं, रोड पे बेची जा रही हैं, हम उनको अडॉप्ट करेंगे और पढ़ाएंगे। उसके बाद उनकी शादी करेंगे। बेटी बचाओगे तभी तो बहू पाओगे। हाँ बेटी गोद लेकर हम ये साबित कर सकते हैं कि हम लड़कियों की कदर करना सीख गए हैं। आप लोगों की चुप्पी देखकर लगता है आप लोगों को बहू चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। मुझे मंजूर है, मैं लड़की गोद लूंगा। तू पहले मेरे साथ है। नहीं मैं सुमन के साथ हूं। दुल्हन जी क्या बात कर रही है, इसे क्या बात कर रही है? अब हमें कुछ बात नहीं करनी, हम चलते हैं, कल फोन करूंगी। मैं भी जा रही हूँ। सुमन फोन नहीं करेगी, सुमन फोन नहीं करेगी भैया। अरे उसको रोको, अरे नहीं तो वो चली जाएगी। अरे सुमन, अरे वो एक लड़की क्या, मैं पूरा अनाथालय गोद ले लूंगा। अरे सुमन 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 अरे अरे चुप, अरे पगले, अरे 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 छोटे, अरे देख पछले, अरे वो आखिरी लड़की नहीं है इस धरती पर। अरे 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 रामलाल जी,
अरे कैसी लड़की ले आए, अरे हमें ऐसी सन की लड़की नहीं चाहिए। अरे वही सुन, ऐसे ये सुन, अरे 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 सबर कर, अरे सबर कर भोले, सबर कर। भैया मैं कितना सबर करूं, अरे अब सबर नहीं होता, नहीं होता। अरे कब मैं बुढ़ा हो जाऊं, जब बुढ़ा हो जाऊं सबर लग जाएगी तब मैं शादी करूंगा। अरे रुक, तुम्हें जब जवाब चुप 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 हां कर दे शादी, शादी बाद में देख ले। हाँ बनेगा बनेगा, लेकिन तुझे ठंडा रहना पड़ेगा। चुप, हाँ एकदम चुप। अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिला के, ठीक है। अरे कितने दिन बगावत करेगी, शादी के बाद तो एक से एक बेलगाम लड़कियाँ, बदमाश लड़कियाँ सीधी हो जाती हैं, और फिर हमें तो ऊँटे में बांधना आता है। आप लोगों के औरतों के बारे में ख्याल जानकर बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छे ख्याल है ना आप लोगों के औरतों के बारे में। सतवीर जी, आप मुझे ना बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं वापस चली आई। थैंक यू। लेकिन आप लोगों की बातें सुनकर मेरा तो इरादा ही बदल गया। मुझे एक बेटी चाहिए, लेकिन यहाँ यहाँ कोई बेटी चाहता ही नहीं है, क्योंकि बेटी पैदा होते ही ना विदा कर दी जाती है। ऐसे घर में मैं अपनी शादी नहीं कर सकती, नहीं बनना मुझे ऐसे परिवार का हिस्सा जिसकी सोच आज भी इतनी घटिया हो। क्या ख्याल है आप लोगों के। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक समाज सेविका होने के नाते मुझे यहाँ आना ही पड़ा। आप लोग बहू ढूंढ रहे हैं, आप बेटे क्यों नहीं ढूंढते? यदि आप एक बेटे ढूंढेंगे तो आपको बहू को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बहू ही लेकर आए थे, लेकिन अब ये हमारी बेटी हो गई। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर में या आस पड़ोस में या कहीं भी ढूंढने के लिए जाएं तो सबसे पहले बेटी ढूंढें। जब बेटे ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा आपको बहू मिल गई। अभी मुझे जाना है, मैं दोबारे आती हूँ। आओ बेटा। जाओ बेटा। ऐसे हाँ में हाँ मिलाते हैं। फोटो खींच गई हमारा सबका। सही तो कह रही थी। अब क्या होगा, ये रिश्ता हाथ से गया, कब दूल्हा बनूंगा मैं, कब शादी होगी मेरी। मैं शशि जी की बात से सहमत हूँ, बेटी अपनाइए तभी आपको बहू मिल जाए। मुझे तो लगता है लड़कियों की संख्या कम होने से पैदा होने वाली समस्या को जड़ से उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो हम जड़ से उखड़ जाएंगे, हर वंश बेल सूख जाएगी, फिर ये खेत, ये हरियाली, ये खलिहान सब यही धरे रह जाएंगे। एक बहुत ही धार्मिक और संस्कारी लड़की भेज रहा हूँ। क्या बात है, ये मेरी भतीजी संस्कार, और हम उसकी बुआ कुंडली देवी। ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में आ गए। हमारा बलवीर तो इतना संस्कारी है, इतना संस्कारी है कि भिखारी के भी पैर छूके कहता है भगवान आपका भला करे। जैसे श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़कर सीता जी को जीत लिया था ना, वैसे ही आप भी हमें बुआ जी से जीत लीजिए।